Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine at home. Good. Beta, today we will discuss about again word problems. और ये word problem किसकी है बेटा? Division की. किस चीज के word problems चल रही है? Sorry, multiply की. Okay? देखो बेटा, Shruti can type 75 words a minute. How many words can she type in 48 minutes? पहले इस question को read करना अपनी book में से. Okay? Read करने के बाद अब देखो, Shruti can type. Shruti word type कर सकती है 75 words. कितने words? 75 words. कितने minutes में? आ meaning 8 minute में, 1 minute में. Shruti 75 words 8 minute में type करती है, 1 minute में type करती है, कर सकती है. How many words can she type in 48 minutes? वो क्या कह रहा है कि श्रुति एक मिनट में 75 वर्ड टाइप कर सकती है. तो 48 मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप कर सकती है? हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स टाइप कर सकती है 48 मिनट्स में? राइट. अब मैंने आपको क्या कहा? उसने कहा एक मिनट में 75 वर्ड टाइप करती है, तो 48 मिनट में कितने वर्ड टाइप करेगी? हमें 1 मिनट का पता है, 48 मिनट का निकालना है, यानी एक का पता है और ज्यादा का निकालना है. तो हम क्या करते हैं, 75 मल्टीप्लाई 48, यानी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. आया कुछ समझ में? हमें एक मिनट का पता है, 48 मिनट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लगानी है वो देखो. श्रुति कैन टाइप वर्ड्स इन अ मिनट. ओके, पूरी लाइन ले दी हमने, कोई चेंज नहीं किया. श्रुति कैन टाइप वर्ड्स अ मिनट. ओके, क्या लिखा हमने? श्रुति कैन टाइप वर्ड्स इन अ मिनट. कितने करती है बेटा? श्रुति कैन टाइप्स वर्ड इन अ मिनट. आप आ भी लिख सकते हो और यहां वन भी राइट कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. श्रुति कैन टाइप वर्ड्स इन वन मिनट. वन मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप करती है? 75 वर्ड. थोड़ा सा शॉर्ट में भी एक बार बता देती हूं मैं. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन अ मिनट. ओके, हम श्रुति ना लिखते हुए नंबर ऑफ टाइप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन अ मिनट. हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और अगर आपको नंबर ऑफ लिखने में अपनी तरफ से भी बच्चे हो नहीं समझ में आ रहा है, आप एज इट इज ऐसे भी राइट कर सकते हो. श्रुति कैन टाइप वर्ड्स इन अ मिनट इज इक्वल टू 75, यानी श्रुति टाइप कर सकती है एक मिनट में वर्ड्स 75 वर्ड्स. अब कितने मिनट्स का पूछा है उसने? 48 मिनट्स का. हमने मिनट्स कहाँ लिखी है? ये मिनट्स है, हमने 1 मिनट का निकाल दिया. और कितने का निकालना है? 48 मिनट्स का. कितने का निकालना है बेटा? 48 मिनट्स का. 48 मिनट्स का निकालना है ना. हमें पता है श्रुति कैन टाइप वर्ड्स 1 मिनट में इतना करती है, तो 1 के बाद 48 निकालना है, तो 1 के नीचे ही क्या राइट किया हमने? 48 मिनट्स. यहां हम वैसे के वैसा लिख देंगे और श्रुति को क्या लिख देंगे हम? शी कैन टाइप वर्ड्स इन 48 मिनट्स. हो गई ना क्लियर?
अब 48 मिनट में कितने करेगी? 75 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई कराए बेटा 75 को बेटा 48 से। आई होप सबको टेबल याद होगी, 10 तक तो कम से कम होगी ही। 8 5 जा 40 की 0 कैरी का 4, 8 7 जा 56, 56 में 4 प्लस किया तो 60। पहले 75 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करानी है। ओके, चाहो तो टेबल लिख लेना 8 और 4 की दोनों की। एट की टेबल राइट हो गई, फिर फोर की टेबल राइट कर लेना। ओके बेटा, एट की टेबल, 8 5 जा 40 की 0 कैरी का 4, 8 7 जा 56, 56 में 4 प्लस किया तो कितना है? 60। अब यहां क्रॉस लगा देंगे क्योंकि टेंस की डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 5 जा 20, 20 की 0 कैरी का 2, 4 7 जा 28 में हमने 2 प्लस किया 5। ओके, 8 और 2 10 की 0 कैरी का 1, 2 प्लस 1 3, 30। ठीक है बेटा, तो यह हमारा 30 आ गया। 0 की 0, 0 की 0 हम इसे ऐड कर देंगे ना बेटा, फिर 6 का 6 3 का 3। कितने वर्ड्स टाइप करेगी वो, कितने वर्ड्स टाइप करेगी? 3600। कितने वर्ड्स टाइप करेगी? 3600 वर्ड्स। क्या क्वेश्चन पूछा उसने, फिर से देखो। श्रुति कैन टाइप 75 वर्ड्स इन अ मिनट, एक मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप करती है? 75 वर्ड्स। तो वो 48 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगी? हमने 75 को 48 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया? 3600 वर्ड्स। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ बॉक्स कंटेन्स 48 चॉपस्टिक्स, हाउ मेनी चॉपस्टिक्स आर देयर इन 73 सच बॉक्सेस। इसका मींस क्या है बेटा? एक बॉक्स, एक बॉक्स चौक का बॉक्स देखा है ना आपने, चौक का बॉक्स होता है ये, राइट? एक चौक बॉक्स में कितनी चॉपस्टिक है? चॉपस्टिक मतलब चौक होते हैं ना उसके अंदर लंबे लंबे, कितने चॉपस्टिक्स है? 48। यानी एक बॉक्स के अंदर 48 चॉपस्टिक्स है। ओके, हाउ मेनी चॉपस्टिक्स, बताओ कितनी चॉपस्टिक्स आर देयर 73 सच बॉक्सेस। यानी एक बॉक्स में कितनी है बेटा? 48। और हमें कितने बॉक्स में निकालनी है? 73 बॉक्स। हमारे पास 73 बॉक्स है, उसमें बताना है हमें कि कितनी चॉपस्टिक्स आ सकती है। अब हमें वन बॉक्स का पता है और 73 बॉक्स का निकालना है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जब ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं और एक का निकालना हो तो डिवाइड करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे हम? इसी में से लगा दे, हम लगाने को ये भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? नंबर ए बॉक्स कंटेन 48 चॉपस्टिक्स, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? अ बॉक्स कंटेन्स चॉपस्टिक। अ बॉक्स यानी एक बॉक्स। ओके, अ बॉक्स कंटेन चॉक स्टिक्स। ओके, चॉक स्टिक्स। ठीक है, एक बॉक्स जो है वो कंटेन यानी अपने अंदर चॉक स्टिक, कितनी चॉक स्टिक्स रखता है? 48। एक बॉक्स में 48 चॉक स्टिक्स हो गई। और निकालना कितने बॉक्सेस का है हमें? 73 बॉक्सेस का, ए मीनिंग वन, तो वन बॉक्स का हमें पता है और कितने का निकालना है? 73 बॉक्सेस कंटेन चॉपस्टिक्स इज इक्वल टू
एक बॉक्स में इतनी है, कितनी 48, 73 बॉक्सेस में हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 48 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा 73 से, गॉट इट। क्या करेंगे हम 48 को 73 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 और 3 की टेबल लिखें, 7 और 3 की मैंने टेबल राइट कर दी है। 3 8 जा 24 का 4 कैरी का 2, 3 4 जा 12 में 2 प्लस किया तो 40 करवा दी हमने। हमने इसको 2 3 से मल्टीप्लाई कराई, अब हम 7 से कराएंगे। 10 है तो हम यहां क्रॉस लगा देंगे, 7 8 जा 56 का 6 कैरी का 5, 7 4 जा 28 में 5 प्लस किया तो 33। क्या राइट किया हमने यहाँ पर 33। ओके बेटा 7 4 जा 28 में हमने 5 प्लस किया तो 8 और 5 13, कैरी का 1 1 और 1 1 और 2 3 कितने हो गए 33। हमने ये 33 यहाँ राइट कर दिया, अब इसे क्या कर देंगे ऐड, 4 का 4 4 प्लस 6 10 10 की 0 कैरी का 1 1 प्लस 3 4 और 1 5 और 3 का 3, यानी 73 बॉक्सेस में कितने चॉपस्टिक्स आएगी 3504 चॉपस्टिक्स। ओके हमने क्या किया, 1 का हमें पता था, 73 का हमें निकालना था, तो हमने उसे मल्टीप्लाई करा दी, गॉट इट बेटा। नेक्स्ट सम है बेटा हमारा, देयर आर 24 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ लॉफ। कहने का मीन्स क्या है, देयर आर 24 स्लाइसेस, स्लाइसेस मतलब ब्रेड का पैकेट लाते हो, ब्रेड के पैकेट को हम बोलते हैं लॉफ, एक पैकेट को लॉफ बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं स्लाइसेस यानी पीसेस, ब्रेड के पीस होते हैं ना, कितने पीस होते हैं, तो कहता है एक ब्रेड में, एक पैकेट में, एक स्लाइस, एक ब्रेड के पैकेट में 24 स्लाइसेस है, ठीक है, यानी एक लॉफ में 24 स्लाइसेस है। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी स्लाइसेस, बताओ कितने पीसेस होंगे, कितने ब्रेड होंगे इन 65 पैकेट्स में, 61 ब्रेड, आप ब्रेड का पैकेट लाते हो ना, इस एक ब्रेड के पैकेट में कितनी स्लाइसेस है 24, ठीक है, एक ब्रेड के पैकेट में, और हमारे पास ऐसे ही ब्रेड के पैकेट कितने हैं 65, हमें एक का पता है कि इसके अंदर 24 पीसेस है, तो 65 पैकेट्स में कितने पीसेस होंगे, कितने स्लाइसेस होंगे, तो एक का पता है और 65 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, और अगर एक का निकालना होता तो क्या करते हम डिवाइड। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लगेगी, क्या लगाएंगे हम, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ लॉफ, इसी में से निकाल दिया मैंने, ठीक है, इसी में से ही बेटा निकाला मैंने स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ लॉफ, इन अ लॉफ, एक ब्रेड के पैकेट में, ए मीन्स एक, एक पैकेट में कितनी स्लाइसेस हैं 24, और कितने पैकेट्स के निकालने हैं, लॉफ्स के निकालने हैं 65, तो क्या लिखेंगे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन, ए के नीचे क्या आ जाएगा 65, ए मीनिंग 1 और 65 का हमें निकालना है। ओके एक का हमें पता है, 65 का फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 24 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 65 से, 24 को बेटा 65 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 की और 6 की टेबल राइट कर लेंगे। ओके पहले आप टेबल राइट कर लिया करो ताकि हमें मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके 5 और 6 की,
देखो 5 को 4 पे, 5 फोर जा 20, 20 की 0 कैरी का 2, 5 टू जा 10, 10 में 2 प्लस किया तो 12, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 फोर जा 24, टेंस की डिजिट है तो वंस के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 6 फोर जा 24 का 4 कैरी का 2, 6 टू जा 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14, अब इसको क्या कर देंगे बेटा हम प्लस, क्या कर देंगे प्लस, ऐड किया हमने 0 की 0, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 4 5, 1 का 1, 1560 स्लाइसेस, क्या पूछा है उसने, स्लाइस पूछा है ना, तो स्लाइसेस हमारी एक ब्रेड के पैकेट में 24 स्लाइसेस होते हैं, 24 पीसेस होते हैं, और 65 पैकेट्स में कितने स्लाइसेस होंगे, 1560 पीसेस होंगे, गॉट इट बेटा, हमारा क्या है इसमें क्या लिखा था, देयर आर 24 स्लाइसेस, एक का हमें पता है कि एक लॉफ में एक ब्रेड के पैकेट में 24 स्लाइसेस है, 65 लॉफ्स का निकालना है, जब एक का पता हो ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, और हमें ज्यादा का पता हो और एक का निकालना हो तो क्या करते हैं बेटा डिवाइड, ओके गॉट इट बेटा, थैंक यू सो मच।